एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी का है, माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी से, न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जैसा कि नाम लग रहा है कि नाम से ही ये लंग्स से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड बैक्टीरिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बैक्टीरिया और भी जगह डीज प्रोड्यूस करती है। इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला, इट इज ए डेंजरस बैक्टीरिया, प्रोड्यूसेस वेरियस डिजॉर्डर्स इन बॉडी लाइक न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। इट इज ए, सबसे पहले हम लोग इसके पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जामिनेशन में पढ़ना भी होता है, एग्जामिनेशन में लिखना भी होता है और इसके बारे में समझ लेना भी होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलते हैं। मॉर्फोलॉजी, तो इसका मॉर्फोलॉजी में क्या होगी, सबसे पहला हम चलते हैं, जैसे हम लिखते हैं तो सबसे पहला शेप, तो शेप इसका क्या होगी, शेप लैंसेट शेप। लैंसेट का मतलब होता है लैंसेट शेप, जिसमें एक तरफ थोड़ा सा पॉइंटेड रहेगा और एक तरफ थोड़ा सा इस तरह से रहता बना हुआ, तो इसको बोलते हैं लैंसेट शेप, लैंसेट। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात होती है, ये बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया एक साथ रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस कहते हैं, है ना। तो शेप इसका कैसा होगा, लैंसेट शेप डिप्लोकोकस, है ना, लैंसेट शेप डिप्लोकोकस, ठीक है। तो एक तो हो गया शेप के बारे में, तो यहां पर हम लिख देंगे। दूसरा आता है फिर इसके बारे में साइज, साइज में 0.6 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऐसे भी अगर 1 माइक्रोमीटर से भी बिलो अगर लिख सकते हैं तो चलेगा। नेक्स्ट स्टेन, यानी इस बैक्टीरिया को अगर हम कलर करके देखना चाहते हैं तो इसको किस तक स्टेन से स्टेन करेंगे और कैसा मिलेगा। तो इसको जब स्टेन करेंगे क्या चीज से, ग्राम स्टेन से स्टेन करेंगे, ग्राम से। तो ग्राम स्टेन में कैसा पता चलेगा, ये ग्राम पॉजिटिव, कैसा होगा, ग्राम पॉजिटिव। स्टेन का नाम है ग्राम स्टेन, है ना, और दिखाई कैसा देगा, ग्राम पॉजिटिव मतलब ब्लू कलर का, ब्लू कलर का। इसको हम लोग आगे पे चलेंगे हम लोग। तो सेट हो गया, साइज हो गया, स्टेन हो गया। अब जो इसके बाद में अगला जो पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना होता है, टॉक्सिन। इसका टॉक्सिन का नाम क्या है, टॉक्सिन का नाम है न्यूमोलाइसिन, न्यूमोलाइसिन, या एक और केमिकल है न्यूरामीन एंड न्यूरामीन, न्यूरामीन। इसके बाद अगला आता है मोटिलिटी, मोटिलिटी। तो इतना याद है ना, कोकाई है, कोकाई में तो फ्लेजिला होता है नहीं, इसमें ये क्या होगी, नन मोटाइल, नन मोटाइल, यहाँ गया, है ना। तो इस तरह से अगर मॉर्फोलॉजी में लिखना चाहते हैं तो हम लोग इतना हम लोग मॉर्फोलॉजी में डील कर देंगे। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो आता है इसका, वो है कल्चर करेक्टर, है ना। तो इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट डील करेंगे कल्चर करेक्टर। तो न्यूमोकोकस का कल्चर करेक्टर क्या हो जाएगी, इसमें हम लोग चार पॉइंट को डील करते हैं। सबसे पहला कि उस बैक्टीरिया को हम लोग लेते कहाँ हैं, है ना। तो सबसे पहला इस बैक्टीरिया के लिए क्या करते हैं, मीडिया कौन सा लेंगे, मीडिया। तो मीडिया कौन सा होगा, ब्लड अगर, ब्लड अगर, है ना। ये इंडिच मीडिया बोलते हैं इसको, इंडिच मीडिया का एक वेराइटीज है ब्लड अगर। अच्छा, इसमें हम लोग जब लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं, कहाँ पे, इनक्यूबेटर में, इनोकुलेट ये ना इनक्यूबेटर, कितना पे, इनक्यूबेटर में, इनक्यूबेटर में कितना पे रखते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस पे जो होती है ऑप्टिमम ग्रोथ होती है। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगी, जो इसका इनक्यूबेट कितना नहीं, 37 डिग्री टेम्परेचर इसको बोलेंगे, 37 डिग्री। अब जो आता है टाइम, कितना देर के लिए हम इसको इनक्यूबेट करते हैं, तो टाइम होता है इसका 18 घंटा से लेकर के और 30 घंटा तक। लेकिन इसलिए एवरेज हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधे बोल देते हैं इसको 48 आवर्स। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें दोनों काम करना होता है,
कल्चर भी कर लेते हैं और सेंसिटिव भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को लिखना चाहते हैं और ये भी लिख सकते हैं, या इसको 24 आवर्स भी लिख सकते हैं। 24 आवर्स इतना देर में क्या हो सकती है, ये इसका टाइम होता है। अब जो बात आते हैं इसमें लोग, ऑब्जर्वेशन, चार बातें लिखना हुआ जरूरी। ऑब्जर्वेशन मतलब इस बैक्टीरिया को पहले तो इसमें कौन सा मीडिया लेंगे, कितना टेम्परेचर पर रखते हैं, कितना टाइम के रखेंगे, और जब उस प्लेट को निकालते हैं, क्योंकि आगार लिए हैं तो किस में लेंगे, पेटी डिश लिए होंगे, ऐसा पेटी डिश हुआ होगा, उसी में ब्लड अगर रखे होंगे और उसके बाद हम इसमें क्या किए होंगे, इनोकुलेट किए होंगे, ऐसे इनोकुलेट किए होंगे इस तरह से। तो जब इनोकुलेट करते हैं तो हम लोग प्लेट पर क्या होगी, क्या दिखाई देगी, कॉलोनी दिखाई देगा ऐसा। तो ये कॉलोनी जो होगी, इस कॉलोनी का कलर कैसा होगा, चूंकि ये अल्फा हेमोलाइटिक है और अल्फा हेमोलाइटिक है तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का, डोम शेप है ना, डोम शेप थोड़ा होगा, और प्लस हाँ फ्लैट भी मिलेगा, लेकिन सब कल्चर करने पर फ्लैट मिलता है। तो ये हो गया मेरा कल्चर करेक्टर। तो सेकंड हो गया कल्चर, मतलब क्या, इस बैक्टीरिया को ब्लड अगर प्लेट पे अगर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग 24 घंटा के लिए रखते हैं, तो उस प्लेट पर ब्लूइश कलर का जो वहां पे ग्रीनिश कलर का वहां पे क्या होगी, कॉलोनी हमें दिखाई देगा और उसका जो शेप होगा, डोम शेप होगी। तो ये था मेरा कल्चर करेक्टर। अब जो बात आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं वो है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन की ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो हम लोग को जब डिमोस्ट्रेट करते हैं बैक्टीरिया को तब की होती है। तो इसमें इनुलिन क्या होती है, इनुलिन में जब हम इस बैक्टीरिया को डालते हैं तो इनुलिन में क्या करेगी, बैक्टीरिया ग्रोथ करेगी, तो इनुलिन में क्या होगी, पॉजिटिव। वहां बायोकेमिकल रिएक्शन लिखते हैं इनुलिन पॉजिटिव, और कार्बोहाइड्रेट में डालने पर जैसे सुक्रोज में डालने पर क्या होगी, वहां पे जो या गैस फॉर्मेशन है वहां पर एसिड फॉर्मेशन करेगी। तो ये बैक्टीरिया में क्या लिखेगी, बायोकेमिकल रिएक्शन में लिखने क्या लिखेंगे, इनुलिन पॉजिटिव, और कार्बोहाइड्रेट में डालने पर क्या, कार्बोहाइड्रेट में क्या होगी वहां पर एसिड फॉर्मेशन नो गैस फॉर्म नहीं होगी। तो इस तरह से हो गया हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जो आता है बात हम लोग की मेन पॉइंट, अब हम लोग इसका आता है जो सबसे मेन है वो है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी में क्या करते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहली बात है, ये बैक्टीरिया नॉर्मल में कहाँ रहता है, ये नॉर्मली हमारे नेजोफेरिंक्स में रहता है। तो नॉर्मल फाउंड इन अब क्या है, एडल्ट में रहता है 10-20%, और चिल्ड्रेन में 20-40%। कहाँ पे, इन नेजोफेरिंक्स है ना, कहाँ पे रहता है, नेजोफेरिंक्स में कितना होता है, ये तो रहता है। तो एक तो यहाँ पे हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में। दूसरा एक यहाँ से हुआ, दूसरा क्या होगी कि बाय ड्रॉपलेट कहाँ से आ सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन या हॉस्पिटल, यहाँ से बैक्टीरिया आ जाएगी और ये बैक्टीरिया कहाँ जाएगी, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आ जाएगी। तो अब चलिए ये भी आ गया और इधर यहाँ पर बॉडी में भी रहता है, नेजोफेरिंक्स रहता है, लेकिन ये कब इन्फेक्ट करेगी, कब, इफ सम फैक्टर इट इंटर इन ऑर्गन। ये ऑर्गन में कैसे इंटर करेगा अभी बता देते हैं। तो फैक्टर क्या क्या होगी, सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगी, वीक इम्यूनिटी इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट, नॉन इम्यूनाइज चाइल्ड। तो ऐसा अगर कंडीशन होगी तो उस बैक्टीरिया क्या होगी, अगर नेजोफेरिंक्स में होगी तब वो इंटर कर सकता है, कहाँ इंटर करेगा अभी बता रहे हैं, और दूसरा कि अगर बाहर से आएगी बैक्टीरिया तब वो इंटर करेगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दो होगा, एक बाहरी हो जाएगी, एक हमारे बॉडी में भी रहता है ना। तो बाहरी वाला जो आता है बैक्टीरिया उसका जो पावरफुल ज्यादा पावरफुल होती है, हमारे बॉडी में जो रहेगा उसका पावरफुल उतना नहीं होती है,
बाहरी बैक्टीरिया जो आती है हॉस्पिटल से आवे या फिर कम्युनिटी से आवे या फिर ड्रॉपलेट से आता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया होती है उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा नहीं होती है, है ना, डिजीज तो ही प्रोड्यूस करेगा। अब जो बात आ गई यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया निमोकोकस बैक्टीरिया, ये कहाँ पे पहुंचेगा, पहल पर इंटर करेगा, सबसे पहला इन रेस्पायरेटरी पैसेज, लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा मिडिल ईयर, मिडिल ईयर। तीसरा ब्रेन, ब्रेन। तीन जगह पहुंचता है और कभी कभी ये पेरिटोनियम में भी जा सकता है, पेरिटोनियम। लेकिन पेरिटोनियम में बहुत डेंजरस चीज प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन साइट है वह है लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या करता है, ये सबसे पहले वहां जाएगा जो ब्रोंकस का सेल है, वहां ब्रोंकस, ब्रोंकस में जाकर के वहां पर इन्फ्लामेशन कर सकता है। दूसरा, दूसरा ब्रोंकस में जाकर इन्फ्लामेशन करता है। और तीसरा, दूसरा काम करता है इन अल्वियोलाई, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में जाकर क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा वहां पे। अब दूसरा कैसे इन्फ्लामेशन करेगा वहां पे, तो सबसे पहले ये जो टिश्यू है, कोई भी सेल है, जैसे ब्रोंकस का सेल बना रहे हैं या अल्वियोलाई का सेल बना रहे हैं, यहां पर जब जैसे ही पहुंचता है ये ब्रोंकस का सेल है या फिर अल्वियोलाई का सेल है, जब बैक्टीरिया जब सबसे पहले इंटर करता है यहाँ पे, तो सबसे पहले अटैच करता है बैक्टीरिया सेल से। ये बैक्टीरिया है, निमोकोकस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया पहले किससे अटैच करेगा, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से अटैच करने के बाद क्या होगी, है ना, वो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसे मिडिल ईयर में पहुंचेगा तो क्या होगी, स्ट्रक्चर ट्यूब से इंटर करेगा, यहाँ पर मैनेजर जगह पहुंचेगा, या तो जहां भी जाएगा वहां पर क्या होगी, सेल से अटैच करेगा। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑफ किस पे, इन्फेक्टेड टिश्यू, इन्फेक्टेड टिश्यू। जिस टिश्यू पे जाएगा वहां पर पहले सेल मेम्ब्रेन से क्या होगी, अटैच करेगी। अटैच करने के बाद फिर क्या होगी, इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस न्यूमोलाइसिन, न्यूमोलाइसिन टॉक्सिन। इसके बाद क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, वहां पर सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर जाएगी। और उसके बाद वहां पर क्या प्रोसेस हो जाएगी, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सारे इन्फ्लामेशन प्रोसेस उसी तरह से होती है जैसे कि हम लोग इन्फ्लामेशन समझ चुके हैं उसमें। अब क्या होगी, जब हम लोग इसका डिजीज देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे हम लोग, कहाँ का डिजीज प्रोड्यूस करेगा, तो सबसे पहले हम लोग आ जाइए लंग्स में। लंग्स में क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यूमोनिया। तो इसमें क्या करेगी, लंग अल्वियोलाई में क्या कर देगी, इन्फ्लामेशन कर देगी, तो उसकी वजह से हो जाएगा न्यूमोनिया। दूसरा ब्रोंकाइटिस डेवलप करेगी। उसके बाद ईयर में क्या प्रोड्यूस करेगा, ओटाइटिस मीडिया। ब्रेन में प्रोड्यूस करेगा फिर मेनिनजाइटिस, और जहां भी इन्फ्लामेशन करेगा उस तरफ से वहां पर डिजीज प्रोड्यूस करेगा। और लंग्स में क्या करेगा, निमोनिया करेगा, तो वहां पर एक्सुडेशन हो जाएगी, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा वहां पे। अगर अगर ईयर में प्रोड्यूस होगा तो क्या होगी, ओटाइटिस मीडिया होगी, ईयर डिस्चार्ज हो जाएगी, या टिम्पानिक में परफोरेट हो सकती है। ब्रेन में अगर गया तो क्या करेगी, मेनिनजाइटिस प्रोड्यूस करेगा, वहां भी डेंजरस प्रोड्यूस करता है मेनिनजाइटिस। और अगर बाय द पेरिटोनियम में गया तो डेंजरस डिजीज प्रोड्यूस करती है वहां भी। तो इस तरह से क्या होती है कि इसका मेन जो इन्फेक्शन होती है वहां पर जाकर के इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। अब जो आते हैं इसका लैब डायग्नोसिस, हम लोग कैसे पता लगाएंगे लैब डायग्नोसिस के बारे में, क्योंकि जो हम डिजीज बता रहे हैं वो तो डिजीज का अपना अपना कैरेक्टर हो गए, है ना। लेकिन ये तो जो मेन अटैक कैसे की थी वहां पे, तो बैक्टीरिया अपना इन्वेट कर जाता है किसी भी कारण से, बैक्टीरिया जाने का तो सोर्स समझ में आ गया, और जाने के बाद वहां सेल से अटैच करके और अपना इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगी। अब जो बात आते हैं लैब डायग्नोसिस, तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले अगर भाई दिया पेशेंट का निमोनिया का हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पूटम फॉर ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन, है ना, स्पूटम फॉर ग्राम स्टेन। अब इसमें क्या करते हैं, मतलब पेशेंट को जो स्पूटम होता है वो स्पूटम को स्लाइड पर लेकर के और एक स्लाइड पर रख करके हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्राम स्टेन करते हैं। जो भी प्रोसीजर होती है ग्राम स्टेन करने के बाद टोटल, हम लोग ग्राम स्टेन का जो प्रोसीजर होती है वो टोटल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्या देखेंगे माइक्रोस्कोप में, इस फोकस में हमें क्या दिखाई देगा, इस तरह से बैक्टीरिया हमें दिखाई देगी, है ना, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया इसमें क्या करेगी, दिखाई देगी। और ये बैक्टीरिया कैसा होगी, ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। साथ साथ यहाँ पर पस सेल भी दिखाई देंगे यहाँ पे, उसके बाद कुछ एपिथेलियल सेल भी दिखाई देंगे यहाँ पर, है ना, चूंकि स्पूटम आ रहा है। तो इस तरह से क्या होगी, वहां पर
एग्जामिनेशन करने पे हमें पता चल जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी को ब्रेन में अगर हो तो सीएसएफसी एग्जामिनेशन करके हम लोग ग्राम स्टेट देख सकते हैं, तो सीएसएफ एग्जामिनेशन वहां भी कर सकते हैं। तो ग्राम स्टेट फॉर सीएसएफ, ग्राम स्टेट फॉर स्पुटम, या हम लोग स्वाब से भी कर सकते हैं, हम लोग थ्रोट स्वाब लेकर हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन ये आती है। दूसरा कंडीशन आता है कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ या तो स्पुटम लेंगे या फिर हम लोग सीएसएफ ले सकते हैं। तो वहां पर क्या मिलेगी, कल्चर सिटी करेंगे सैंपल को, कहा कल्चर करेंगे हम लोग ब्लड अगर में करेंगे, तो ब्लड अगर में कल्चर सी एस ऑफ स्पूटम या फिर स्वाब या फिर सी एस एफ किस में करेंगे हम लोग, ब्लड अगर में करेंगे। तो वही बताते कल्चर करते बता दिए ना, उसमें क्या मिलेगी ग्रोथ मिलेगी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव या लिखा रहेगा बैक्टीरिया ग्रोथ, है ना। वहां पर बैक्टीरिया का नाम भी रहेगा, कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी बैक्टीरिया मिलेगा वहां पर, लिखा रहेगा वहां पर। इस तरह से मिला मिल जाता है। इसके बाद हम लोग एलाइजा करके देख सकते हैं, एलाइजा फॉर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, वहां पर क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एक्यूट डिजीज प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया, एक्यूट डिजीज, इसलिए हम लोग उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर सिविलिटी अगर बढ़ते रहता है तो वहां पर हम लोग एलाइजा फॉर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसको करके देखते हैं, तो रिपोर्ट में क्या आएगी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी। ये मेरा हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में। और अगर हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जैसे पेंसिलिन ग्रुप्स की इसमें दवा चलाते हैं जो अच्छी दवा होती है, या फिर स्ट्रेप्टोकोक्सिनम ग्रुप्स का जो दवा होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन वह चलाते हैं दवा। और अगर होम्योपैथी में दवा चलाते हैं तो उसमें क्या चलाते हैं, निमोकोकस करके ही मेडिसिन आता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोक्सिनम दवा आती है, या फिर थुजा है, इस तरह से लोग पेशेंट को लोग दवा देते हैं। ये था मेरा निमोकोकस, और यह एक बैक्टीरिया है, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग इतना जान चुके हैं। और एग्जामिनेशन में इसी ढंग से हम लोग को लिखना होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट्स में करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।